शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा की लटेरी में गाय की हत्या का मामला सामने आने के बाद लोगों में जमकर नाराजगी थी। इसी नाराजगी के चलते सैकड़ों युवा रविवार की दोपहर एक ज्ञापन देने तहसील कार्यालय जाने वाले थे, तभी पुलिस के द्वारा सभी को जयस्तंभ चौक पर रोक लिया गया। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, जिससे लटेरी टीआई हरिकिशन लोहिया भड़क गए। शायद ये भारत का वो पहला प्रदेश है जहां पर जय श्री राम का नारा सुनकर किसी टीआई का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचता है। लटेरी टीआई इतने पर ही कहां रुकने वाले थे, ज्ञापन देने पर पहुंचे कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारे लगाने पर भड़कते हुए कहने लगे कि जो कार्यवाही करनी थी पुलिस ने कर दी, अब आवाज आई तो बताता हूं कि धमकी दे डाली। उधर से आवाज आती है जय श्री राम, इधर से टीआई हरिकिशन लोहिया कहते हैं मना कर दिया ना, जब एक बार तो फिर। संजय धाकड़। संजय, आज ज्ञापन देने गए थे, क्या मामला है, क्या बात हुई? कल रात्रि 9 बजे के करीब शनिवार को किसी विशेष वर्ग द्वारा गाय की निर्गम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज हम सभी हिंदू युवा ज्ञापन देने तहसील कार्यालय गए थे। और इसी बीच टीआई साहब ने जय स्तंभ चौक पर सभी को रोक लिया और हमें तहसील कार्यालय तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और जब मेरे युवा साथियों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए तो टीआई साहब भड़क उठे और जय श्री राम के नारे लगाने पर आपत्ति जताई और रोक भी लगाई। क्या चाहती हैं? तो हम यही मांग करते हैं कि टीआई साहब के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो, और कार्रवाई यदि नहीं होती है तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। टीआई का क्या नाम है? टीआई जी का नाम है लोहरिया जी।